जो शिव अभिमान महिला मंडल की मैं अध्यक्ष हूँ। तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ जिस तरह से महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है और जब महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है, जब उनको एक ट्रॉफी के माध्यम से, सॉल के माध्यम से जब उन्हें सम्मानित किया जाता है मंच से, तो ये कितना अच्छा लगता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्या कहना चाहेंगे? सम्मान बोलेंगे तो छोटा रहता है, लेकिन उसके पीछे जो हम जब अपना नाम आता है, कोई अपना नाम लेता है स्पीकर पे कि इनका सत्कार किया जाए या इनका स्वागत किया जाए, वो स्वागत के पीछे वो औरत को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, इजीली उसका नाम नहीं लिया जाता है। और हर तरह में देखेंगे ना तो समाज में बड़ा नाम है कि औरत लोग आगे है, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। अभी भी औरत लोगों को उतना ही पीछे छोड़ दिया है जैसे पहले है। हाँ, 100 में से 2 औरत बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन जितना मुझे लगता है अभी तक 75% पीछे ही है। तो वुमेंस डे के लिए जिस तरह से इस संस्था ने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो निर्णय लिया सम्मान का, ये कितना अच्छा लगा? ये बहुत अच्छा है, उससे उनको एक होता है ना उत्साह बढ़ता है, उम्मीद बढ़ती है। उन ये सब प्रोग्राम होने के बाद में एक औरत बाहर आती है, बोलते हैं ना 1 घंटे सारा दिन चूल्हा चौके में ही रहती है, वो प्रोग्राम में बुलाने के बाद में भले 2 घंटे नहीं लेकिन 5 मिनट 10 मिनट आधे घंटे के लिए तो बाहर निकलती है। उसके वजह से इधर आने के बाद में उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि बाबा अपना नाम लिया। और ऐसे प्रोग्राम होते हैं उससे औरत लोग थोड़ी देर के लिए क्यों ना वो बाहर आ जाती है और अपने विचार या अपनी भावनाएँ व्यक्त करती है। तो मनीषा जी, आप क्या कहना चाहेंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जिस तरह से महिलाओं को इस मंच से सम्मानित किया गया, वुमेंस डे के लिए उनके पावर जो उनकी शक्ति है, जिस तरह से वो हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं उसको सराहना करते हुए जिसे यहाँ पे सम्मानित किया गया है? सबसे अच्छा काम यहाँ पे संस्था द्वारा किया गया है और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक खूबसूरती है जो उनके लिए एक हिम्मत का काम करेगी। और वाकई वो काफ़ी हर क्षेत्र में आज महिलाएं देखें तो आगे बढ़ते जा रही हैं, और इसका सशक्तिकरण अगर हम देखें तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में किया है कि आज बेटियों के लिए माता पिता को ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सी सुविधाएँ उन्हें दी गई हैं और उसका अगर वो उपयोग करके अगर उसमें बढ़ें तो अब हमारी बेटियाँ कभी भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। जिस तरह से महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं आप और महिलाएं कहा जाए तो चांद को भी छू कर आ चुके, लेकिन कुछ महिलाएं अभी भी घर के उसी चार दीवारी में बंद हैं, उसी घर के काम में लगी हैं, तो आप कैसे सोचती हैं यहाँ थाली के लिए कि वो महिलाएं भी बाहर आएं और अपने उनके अंदर जो कलाएं छुपी हुई हैं उसे वो बाहर निकालें? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने और मैं इसका हर भरसक प्रयास करती हूँ, क्योंकि यदि हम उनसे जब मैं उनसे मिलती हूँ और जब हम कहते हैं कि आपको किसी पार्टी के लिए करना है तो वो थोड़ी सी झिझक जाती हैं, तो मैं एक हंसता खेलता जैसे चाय पे चर्चा हो गई, उन्हें बुला लिया, थोड़ी सी उनसे बातें की, उनमें क्या हुनर है वो जान लिया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कुछ महिलाएं खाना बनाने में काफ़ी अच्छी होती हैं, कोई कलाकृतियां में अच्छी होती हैं, तो वो किस तरह से आगे जा सकते हैं, इसके लिए मैं भरसक हमेशा प्रयत्न करते रहती हूँ और कईयों को इसका एक मौका भी दिया, जैसे एग्जीबिशन के ज़रिए हम उन्हें आगे लेकर आते, तो ऐसे थोड़ा सा समाज को और अभी बदलना है। बहुत सी महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं और अथक प्रयास मेरा चलता रहता है कि अलग अलग माध्यम के ज़रिए उन्हें सम्मानित करते हुए और उन्हें ये बताते हुए कि अब वो पुराना ज़माना नहीं है, अब हमें अपनी पहचान स्वयं बनानी, और गुण हर व्यक्ति में होता है और उसका मैं हमेशा प्रयास करते रहती हूँ। सोनी मैडम ने